नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जीन आपके साथ। और में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों के उपचार के पश्चात स्वस्थ होकर उनके घर लौटने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में जहां एक और शुक्रवार सुबह 4 मरीज MRTV अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार रात को ही 31 मरीज एक साथ अरविंदो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। ये इंदौर जिले के लिए एक सुखद खबर है कि एक साथ इतने मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर रवाना हुए। वहीं संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि इंदौर में कोरोना मरीजों के उपचार की उम्दा व्यवस्थाओं के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आज अरविंदो हॉस्पिटल से एक साथ 31 मरीजों को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रही तंजीम खान ने बहुत ही मार्मिक अपील करते हुए लोगों से कहा कि मजाक मत समझो, प्लीज घरों में रहो, शासन प्रशासन जो कह रहा है उसे मानो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ रहेंगे तो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। वो वहाँ पर ले गए थे ना क्वारंटाइन करने के लिए, जब रिपोर्ट पता चली थी उसके बाद ही यहाँ पर है। तो उसके पहले कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत सब ठीक है, यहाँ पे व्यवस्था सब ठीक है। हाँ, सब ठीक था। डॉक्टर्स तो सारे यहाँ के अच्छे, सबने बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट दिया, सब ध्यान रखा, बार बार आकर पूछा। आप सब घर में रहो, बस यही ध्यान रखो अपना। मेरे हस्बैंड पॉजिटिव आए थे, उसके बाद हम लोग भी सब आ गए और अभी 20 दिन से हॉस्पिटल में थे। हम लोग 17 लोग थे और 17 में से अभी हम सारे लोग 14 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। 3 लोग अभी हमारे हॉस्पिटल में, उसमें एक मेरी 9 साल की लड़की है। प्लीज़ मैं सबसे दुआ करूँगी कि मेरी बेटी के लिए दुआ करो कि वो भी हमारी तरह स्वस्थ होकर घर आ जाए। स्टाफ कैसा है आपको? और स्टाफ बहुत अच्छा है, एवरीबॉडी इज़ वेरी हेल्पफुल, सब लोग बहुत अच्छे लोगों हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहूँगी कि प्लीज़ मजाक मत समझो और अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो। आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्लीज़ बाहर मत निकलो, मजाक मत समझो इस बात को। हमारे दिल से पूछो, हम इतने सारे लोग जा रहे हैं पर मेरी एक बेटी अस्पताल में, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है घर जाने की, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है 9 साल की और वो यहाँ पर है। इसलिए प्लीज़ इस बात को मजाक में मत लेना, सब घर पर रहो। जो भी सरकार आदेश दे रही है, जो भी बात है, प्लीज़ उन रूल्स को फॉलो करो, प्लीज़ प्लीज़। मेरे को बीमारी का मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद MY गया था और मैंने खुद ने टेस्ट करवाया और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई, वहाँ पर MY में एडमिट हुआ। अरविंदो में कब से भर्ती है? मैं अरविंदो में 2 अप्रैल से भर्ती हूँ, यानी करीब 16 दिन होगा मेरे को। ठीक होने के पश्चात आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। व्यवस्थाओं के बारे में आपको कुछ? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, डॉक्टरों ने वाकई बहुत मेहनत करी है और जब जब हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने उपलब्ध कराया, दवा गोली वगैरह से भी हर चीज़ से बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करी। लोगों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, मैं बोलना चाहूँगा कि ये अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पूरा पालन करें और अपनी ज़िंदगी की कीमत समझें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।